हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजनाथ सिंह हाल में ही किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर निकलेंगे? इसका आंसर क्या कंबोडिया है, म्यांमार है, लाओस है या वियतनाम है? देखिए, अब आप पूछोगे कि राजनाथ सिंह तो पिछले 6 महीने में बहुत जगह पर गए होंगे 3 दिवसीय दौरे पर, 3 डेज विजिट। तो देखिए बता दूँ, क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह जिस कंट्री को भी विजिट करेंगे ना, उनके यहाँ से आपको एक इमेज भी दिख रही है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद कर लें आप, और उनके कैपिटल को भी याद कर लें। तो देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा राजनाथ सिंह ने वियतनाम को विजिट किया है। याद रखिएगा, कहाँ विजिट किया है? वियतनाम। तो वियतनाम का कैपिटल नाम आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, वियतनाम की कैपिटल क्या है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन है, नीचे कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ से आपको उनकी फोटो भी दिख रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, FIH हॉकी जो चैंपियनशिप का है, किस देश ने फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराया? कौन सा देश इसका चैंपियन रहा है? तो देखिए, ये क्या मलेशिया है, भारत है, स्विट्जरलैंड है या पाकिस्तान है? तो इसका आंसर आपको दिखेगा, इंडियन मैंस टीम विंस हॉकी 5S टाइटल आफ्टर बीटिंग पोलैंड। हम लोगों ने पोलैंड को हराकर ये कप जीत लिया, और यहाँ से आप इंडियन जो हॉकी प्लेयर हैं उनकी इमेज भी देख सकते हो। एक और क्वेश्चन मेरा पूछने का मन हो रहा है, प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइएगा, इंडियन हॉकी मैंस टीम के विजेता कौन है? जरूर कमेंट करके बता दें। जो लोग भी क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करेंगे, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगले वीडियो में उनका नाम जरूर लिया जाएगा, वीडियो के शुरुआत में उनके नाम को अनाउंस कर दी जाएगी। चलिए फिर से हम लोग इसे शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली हु विंस फ्रेंच ओपन टाइटल, फ्रेंच ओपन टाइटल किसने जीता था? तो देखिए, आपको ये 4 नाम दिखाई दे रहे होंगे, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्पर रूड। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ से आप देख पाओगे, देखिए राफेल नडाल ने जो है 14th फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया है। कितना जीता है? 14th। तो राफेल नडाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आपको जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा, 1.2 मीटर की जो ट्रायसोनिक विंड टनल है, कितने साल की शानदार सेवा इन्होंने पूरी कर ली है? बेंगलुरु की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 55 ग्लोरियस ईयर। और देखिए यहाँ पे आपको DRDO भी दिख रहा होगा और इसरो भी दिख रहा होगा, दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले किया था। DRDO का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि मुझे जो है पता चल सके कि आप सचमुच में तैयारी कर रहे हो। इसरो का भी फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। अब आप बोलोगे वेंकैया नायडू तो एक्स हो चुके हैं ना, तो देखिए एक्स वो हो चुके हैं, बट पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो किस देश के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने वार्ता करी है? तो देखिए मैं एक बार फिर से बता दूँ, जिस देश से भी ये जाते हैं, देखिए इन्होंने कतर के PM के साथ बातचीत करी है। इसके दौरान आप यहाँ से देख सकते हो, इनका नाम भी देख लीजिए, शेख हमद बिन खलीफा। तो इनका नाम जरूर याद रख लीजिए, कमेंट ये जो क्वेश्चन है इस पे भी पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हाल में ही UP में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने या रामनाथ कोविंद ने? देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अगला ये जो राइट आंसर है, सबसे पहले आप देख लीजिए, रामनाथ कोविंद ने इसे क्या किया था, इसकी इनॉग्रेशन करी थी, इसका उद्घाटन करा था। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ये एक्स प्रेसिडेंट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, मनसुख मांडविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है, केरल, बिहार, उड़ीसा या असम में? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से देख लीजिए, FSSI जो इन्होंने इनॉग्रेशन करी है, ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक छोटी सी सूचना दे दूँ, अगर आप AES की तैयारी कर रहे हो, या कर रहे हो तैयारी नवोदय विद्यालय संगठन की, या फिर
KBS की, तो 499 में मेरे हैंड रिटन नोट्स आप परचेस कर सकते हो फॉर नवोदय विद्यालय संगठन, और 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, yourmithunsinghsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पाकिस्तान के रक्षा बजट यानी कि डिफेंस बजट में कितने परसेंट की हाइक देखने को मिली है, 9%, 5%, 6% या 4%? तो देखिए इन्होंने जो है 6% अपने बजट को बढ़ा दिया है। अब देखिए वो बोलते हैं ना, फटे तो फटे पर पोजीशन न घटे, तो आप देख सकते हो पाकिस्तान जो है डे बाय डे, वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस बहुत इंक्रीज हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है और भ्रष्टाचार के मामले उससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे ये लोग जो है इंडिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ठीक है भाई, मूर्खों के साथ जैसा हो। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर है वो है 6%। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन करेगा, नरेंद्र मोदी अगेन? देखिए जब भी क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शंस रहे तो नरेंद्र मोदी का एक बार आप कंसीडर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका डाउट है तो, अगर आप जानते हो तो फिर जाइए, अदरवाइज आप नरेंद्र मोदी पर टिक कर दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सब कुछ वही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने डैश में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करी है, तो देखिए ये प्राग है और इन्होंने प्राग में जाकर जो है भारतीय जो भी लोग थे वहाँ पे उनसे बातचीत करी थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो स्लोवाकिया जो है उन्होंने विजिट करा था, ये कौन है, एस जयशंकर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि फाइनली क्वेश्चन तो है नहीं और ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अडानी ग्रुप ने 70,000 करोड़ जो है किस स्टेट में जो है इन्वेस्ट करी है, तो ये है यूपी और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा अडानी ग्रुप। रिसेंटली कौन जो बैंक है ना जिन्होंने नेट प्रॉफिट को डबल कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2 में, तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इन्होंने अपने जो नेटवर्थ है इसे डबल कर लिया है। रिसेंटली विच कंट्री चेंज इट्स ऑफिशियल नेम, तो ये तुर्की है, पहले ये टर्की बोला जाता था, अब इसे तुर्की बोला जाएगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओगे, घंटी वट्टी का बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।